सो टिल दिस मोमेंट वी डिड टिल लास्ट क्लास। अब आगे की चीज, मैंने क्या बोला था कि दो टर्म्स हो, तीन टर्म्स हो, इनफाइनाइट टर्म्स हो, मतलब इनफाइनाइट मीन्स 50 टर्म्स भी हो, क्या मेरा मेथड चेंज होने वाला है? नहीं ना, नो। तो वो कितनी अच्छी बात है, मैं बहुत खुश हूं, तुम्हें भी खुश होना चाहिए कि अगर मैंने इस क्वेश्चन से आई मूव टू दिस क्वेश्चन, मेरा मेथड चेंज नहीं होने वाला है। एवरीवन ट्राई दिस क्वेश्चन, खुद से ट्राई करो, मैं 1 मिनट दूंगा। ग्रेटर देन जीरो वाला क्वेश्चन है, आई विल गिव गिव यू 1 मिनट। सॉरी हिकअप्स आ रहे हैं मुझको, कोई याद कर रहा है, तुम ही लोग याद कर रहे होगे। पानी पी लेता हूँ। सब लोग ट्राई करो। आ रहे ही बेटा, पिछले क्लास अटेंड किया था, उसमें देखो मेथड बताया था ना, एक पर्टिकुलर मेथड बताया था, वी हैव टू फॉलो दैट मेथड। वही मेथड को हम देख के सॉल्व करेंगे अपना। क्या मेथड था? इक्वल टू जीरो। हमारे पास तीन मेथड है, हमारे पास तीन मेथड है। सॉरी, हमारे पास तीन टर्म्स हैं, तीन मेथड नहीं, हमारे पास तीन टर्म्स हैं, तो इससे मुझे एक्स की तीन वैल्यू मिली, 7, 1 एंड -5। हमको एक्स की तीन वैल्यू मिली, इससे पहले एक्स की हमको दो वैल्यूज मिल रही थी, अब हमको एक्स की कितनी वैल्यूज मिली? अब हमको उन तीन वैल्यू के लिए मैंने नंबर लाइन, सबसे छोटी वैल्यू क्या है इसमें? -5, फिर क्या है? 1, फिर क्या है? 7, दिस इज 1। ओके, हमको तीन वैल्यू मिली, राइट हैंड साइड पे पॉजिटिव, निगेटिव, पॉजिटिव, सॉरी, यहां तक देन जीरो चाहिए। आई नीड ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब पॉजिटिव पोर्शन, दिस इज माई पॉजिटिव पोर्शन एंड दिस इज माई पॉजिटिव पोर्शन। अगर ये दोनों मेरे पॉजिटिव पोर्शन हैं, तो मेरा आंसर क्या होगा? गुड सिद्धांत, -5 से 1 यूनियन 7 से इंफिनिटी। क्या मेरे पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी लेवल में कोई डिफरेंस है? नहीं, डिफिकल्टी लेवल में कोई डिफरेंस नहीं है। मे बी एक सिर्फ नंबर लाइन पे एक नंबर तुमको एक्स्ट्रा लिखना पड़ गया, मेथड वही था, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। हमको ग्रेटर देन जीरो चाहिए, तो हमने पॉजिटिव पोर्शन देख लिया एंड वी गॉट आवर आंसर। क्लियर एवरीवन? ठीक है, तो अब आज के क्लास में कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे, तो होपफुली सबको पिछली वाली क्लास पूरी की पूरी याद हो गई होगी, कोई पुराना बहुत दिन में नहीं, 10-15 दिन नहीं गुजरे हैं, जस्ट यस्टरडे वी हैड द क्लास। सो टुडे दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने इक्वल टू जीरो करके सारी वैल्यूज निकाल ली, नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया, राइट हैंड साइड से शुरू करते थे, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, ग्रेटर देन जीरो था, मैंने पॉजिटिव पोर्शन से आंसर आ गया। आगे बढ़े, वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम टाइप, एवरीवन ये भी करो। स्टेप्स वही रहेंगे, स्टेप्स चेंज नहीं होंगे।
मेथड वही रहेगा, होपफुली सबको मेथड भी याद है और काफी अच्छी चीज है कि लोग आंसर भी दे रहे हैं. इक्वल टू जीरो. तो एक्स की वैल्यू -2 -1 -2 -1 -3. मेरा नंबर लाइन सबसे छोटी वैल्यू -3, फिर -2, फिर -1, पॉजिटिव निगेटिव. आई नीडेड विच पोर्शन? आई नीडेड, यस गुड ऊर्जा, सब लोग सही कर रहे हैं. आई नीडेड लेस देन जीरो पोर्शन. विच इज माई लेस देन जीरो पोर्शन? मीन्स निगेटिव पोर्शन. दिस इज माई निगेटिव पोर्शन एंड दिस इज माई निगेटिव पोर्शन. सो आई कैन राइट माई आंसर एज -∞ से -3 यूनियन -2 से -1. करेक्ट. सो दिस इज माई आंसर. और इस तरह से हमने तीन टर्म्स वाले भी क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व करना देख लिया. दो टर्म के देखे थे, तीन टर्म के भी देख लिए. आगे बढ़े. आराम आराम से चल रहा हूं. अगेन मैंने बोला था कि इनिशियल क्लास में आई डोंट लाइक टू मतलब फास्ट पेस में नहीं जाता जिसमें सबको समझ में आए. ठीक है. अच्छा, मोस्टली क्या होता है कि किस तरह से होता है, जो एक रेगुलर क्लास होती है दैट शुड बी अंडरस्टैंडेबल टू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, वो सारी की सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए. यहां पे कितने टर्म्स आ गए? 5 टर्म्स. क्या ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट होगा? नहीं होगा. ये भी क्वेश्चन वैसा ही होगा जिससे जिस तरह से हमने पुराने क्वेश्चन किए हैं. ट्राई करो. टर्म्स 4 हो गए हैं बट डिफिकल्टी लेवल कहीं से भी इंक्रीज नहीं हुई. मेरे लिए पॉइंट्स क्या बने यहां पे? -2 -10 -50 -∞. सबसे छोटा -10, फिर -2, फिर 2, फिर 15. पॉजिटिव निगेटिव. विच पोर्शन डू आई नीड? गुड, वेरी गुड. ऑलमोस्ट सब लोग करेक्ट दे रहे हैं. आई नीड निगेटिव पोर्शन. कहां से मिलता है वो? इस चीज से मिलता है, लेस देन जीरो से. दिस इज निगेटिव पोर्शन, दिस इज निगेटिव पोर्शन. तो माई आंसर इज -2 (2 to 50). हैप्पी एवरीवन. चीजें समझ में आई सबको? यस, ग्रेट. ऑल ऑफ यू, आई एम वेरी हैप्पी कि चीजें आप लोगों को समझ में आ रही हैं. एंड अच्छी चीज है क्योंकि ये जितना अच्छा बेस होगा उतना अच्छा फिर आगे चल के कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. नहीं तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि ये चीज अगर मिस हो गई ना तो आगे चल के जब इसके ऊपर क्वेश्चन आगे चल के, जानते हो क्वेश्चन क्या होगा इसके ऊपर? मतलब ऊपर एज इन पहले 3-4 लाइन होगी फिर क्वेश्चन रिड्यूस हो जाएगा इसमें. तो आपके लिए मेहनत सोचने वाला काम वो पहले 3 स्टेप है. उसके बाद दिस इज ऑल मैथमेटिक्स. ठीक है. फिजिक्स में भी वही होता है. फिजिक्स में भी
जब क्वेश्चन तुम देखोगे फर्स्ट टू थ्री स्टेप्स फिजिक्स के होते हो, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ मैथ्स होती है, एम आई करेक्ट? तो इन एनी केस जब भी तुम्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगी, और मैथ्स का इंपॉर्टेंस मैं बताऊं, लेट मी टेल यू मैथ्स का इंपॉर्टेंस, यहाँ पे कुछ लोग नीट वाले भी होंगे, कुछ लोग जेई वाले तो है ही है, कुछ लोग नीट वाले भी होंगे, मतलब पीसीएम वाले होंगे, पीसीबी वाले होंगे, एक छोटा सा मैं मैथ्स का इंपॉर्टेंस बताने वाला हूं। ये चीज समझ में आई, मैं ये क्लियर कर रहा हूं। मैं दो लोगों का एग्जांपल ले रहा हूं, पीसीएम पीसीबी। मैथ्स कितना होता है पीसीएम, पीसीएम में कितने परसेंटेज होगा मैथ्स पीसीएम में, सबको मैथ्स आती होगी, 50% है जय, सही से बताओ पीसीएम, पीसीएम मीन्स मैथ्स कितना हुआ, अगर पीसीएम 100% है तो मैथ्स कितना हुआ, 1/3 हुआ ना, 33.33%, तो मैं 33% मैथ्स मान लेता हूं, एवरीवन एग्री? अच्छा, फिजिक्स भी 33% और केमिस्ट्री भी मैंने 33% मान लिया, एवरीवन ठीक है? अच्छा, इस मैथ्स का 33% तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा मैथ्स के लिए, फिजिक्स में मुझको बताओ, फिजिक्स के 33% में फिजिक्स का कॉन्सेप्ट कितना होगा और मैथ्स कितना होगा, क्या तुमको यह समझ में आता है? फिजिक्स अगर 33% है तो उस 33% का फिजिक्स का 1/3, फिजिक्स का 1/3 मैथ्स ही होता है, ओवरऑल फिजिक्स का 1/3 मैथ्स होता है, क्योंकि हर फिजिक्स के हर क्वेश्चन में मैथ्स आएगी। तो अगर मैं 33% का 1/3 बोलूं, हाउ मच परसेंट, टेन परसेंट कर देता हूं, 11 को मैं 10% कर देता हूं, चलेगा? मैं केमिस्ट्री पे आता हूं, केमिस्ट्री में तीन पार्ट होते हैं, सबको पता है केमिस्ट्री के तीन पार्ट, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें से फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री का 1/3 पार्ट होता है, यानी कि फिजिकल केमिस्ट्री, पीसी लिख देता हूं, फिजिकल केमिस्ट्री 11% होता है, उस फिजिकल केमिस्ट्री का 11% का 1/3 अगेन मैथ होता है, तो 11% का 1/3 मैं 3% मान लेता हूं, 3 या 4% मान लेता हूं, तो देखो तुम ओवरऑल मैथ पीसीएम में कितना आ रहा है, फोर्टी सिक्स परसेंट। तो जो लोग पीसीएम लेते हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंस है मैथ्स की, 46% इंपॉर्टेंस है मैथ्स की, एम आई करेक्ट? ओवरऑल 46% इंपॉर्टेंस मैथ्स की पीसीएम वालों के लिए। पीसीबी वालों के लिए ये मैं 10/3 बोल देता हूं, 13%, तो 13% भी तो एक अच्छा अमाउंट है ना, यहां 13% वहां 46%, तो मैथ्स आपको अच्छी रखनी है, यू हैव टू हैव अ गुड इंटरेस्ट इन मैथ्स, ठीक है? तो ये रहा आपका मैथ्स का इंपॉर्टेंस फॉर नेक्स्ट टू इयर्स, भले आप पीसीबी के हो, पीसीएम के हो, आपको पीसीएम में तो ऑलमोस्ट 50% इज मैथ्स, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? तो इसका आंसर सबको समझ में आ गया था, चार वाले उसका। अब मैं आगे बढ़ता हूं, नाउ अभी कल की सारी क्लास में हमने ग्रेटर देन एंड लेस देन वाले क्वेश्चन देखे थे, अभी क्या हो गया क्वेश्चन, ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू,
तो ट्राई फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू क्वेश्चन, ट्राई करो ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू क्वेश्चन. एवरीवन किस किस चीज का डिफरेंस आएगा, डिफरेंस किस चीज का आएगा, ब्रैकेट्स का. यस गुड साची, गुड मानस नमन. सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट्स का डिफरेंस आएगा, मेथड वही रहेगा, मेथड में कोई भी चेंज नहीं होगा. इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो. एक्स इज इक्वल टू माइनस थ्री माइनस फाइव, नंबर लाइन माइनस फाइव फिर माइनस थ्री, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. विच पोर्शन डू आई नीड, आई नीड ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि आई नीड पॉजिटिव पोर्शन. अगर मुझको पॉजिटिव पोर्शन चाहिए तो आंसर इज माइनस इंफिनिटी, माइनस फाइव यूनियन, ये लिख दिया. अब ब्रैकेट्स का क्या, याद करो कल की क्लास में मैंने तीन रूल बनाए थे. इंफिनिटीज एंड माइनस इंफिनिटीज पे हमेशा ओपन ब्रैकेट. क्वेश्चन है ग्रेटर देन इक्वल टू का, ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब कॉन्स्टेंट वैल्यूज पे कौन से ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट. एम आई डन विद द क्वेश्चन, जिसको जिन्होंने अभी थोड़ा सा लेट भी ज्वाइन किया उनको भी ये चीज समझ में आई. अभी तक हम क्वेश्चन बिल्कुल पिछली क्लास वाले ही कर रहे थे, बस मैंने ये नया क्वेश्चन पहली बार आया. ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो के लिए मैंने क्या बोल दिया कि क्लोज ब्रैकेट आएगा. क्यों, क्योंकि पिछली क्लास में भी हमने देखा था ग्रेटर देन इक्वल टू के लिए कॉन्स्टेंट वैल्यूज पे क्लोज ब्रैकेट आता है, एंड इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी पे तो हमेशा ओपन ब्रैकेट होता है. क्लियर, सही है. होपफुली लिख लिया सबने, मैं आगे बढ़ रहा हूं. अब लेस देन इक्वल टू जीरो, इसका आंसर मेथड एवरीथिंग मेथड सब सेम रहेगा, सिर्फ लास्ट स्टेप में आंसर लिखने में तुमको चेक करना पड़ेगा. लेस देन इक्वल टू जीरो मींस यू नीड टू चेक फॉर नेगेटिव पोर्शन, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन्स एग्जैक्टली सेम, वो चेंज नहीं होने वाला है. ओके करो सब लोग. गुड आचल, बाकी लोग भी आंसर दो. रश्मि गुड, वेद नाइस, रश्मि गुड, सिद्धांत गुड, वित्शी नाइस, दीप गुड, संगम प्लस माइनस की गलती, मतलब सॉरी प्लस माइनस नहीं ब्रैकेट की गलती, ऊर्जा स्वयं जय मधुरा नाइस, तबस्सुम गुड, स्वरा नाइस, आकांक्षा करेक्ट. एवरीवन माइनस टू माइनस फाइव, नंबर लाइन छोटा क्या है माइनस फाइव फिर माइनस टू, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. आई नीडेड नेगेटिव पोर्शन, आई नीडेड नेगेटिव पोर्शन, तो दिस इज माई नेगेटिव पोर्शन, दिस इज माई नेगेटिव पोर्शन. तो मेरा आंसर सीधे सीधे निगेटिव वाला होगा माइनस फाइव. कलर चेंज हो गया इसको, माइनस फाइव टू माइनस टू. ब्रैकेट कौन सा लगेगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू वाला है यानी क्लोज ब्रैकेट, और सब कांस्टेंट है तो क्लोज ब्रैकेट. तो मेरा आंसर है माइनस फाइव से माइनस टू विथ क्लोज ब्रैकेट. क्लियर, क्लियर, ग्रेट. ठीक है, कांस्टेंट का मतलब माइनस फाइव इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटीज आर नॉट कांस्टेंट वैल्यूज, इंफिनिटी एंड माइनस इंफिनिटीज आर
समथिंग विच यू कैन नॉट अचीव बट हाँ ठीक है. ऑब्वियसली हम क्या कर रहे हैं, अगर प्रॉपर पूरा आंसर लिखना होता तो एक्स बिलोंग्स टू लिख रहे होते, बट चीजें क्या रहेंगी, तुम्हारे पास ऑप्शन में आ रहा होगा, तुम इतना भी आंसर लिख दोगे तब भी करेक्ट है. आंसर में क्या हो रहा होगा, एक एक ऑप्शन में ये होगा, दूसरे ऑप्शन में दूसरा होगा, तुम्हें वहां पे टिक करना होगा. यू नीड टू सेलेक्ट. अगेन तीन टर्म्स आ गए, दो टर्म की जगह तीन टर्म आ गए, बट कहीं से भी क्वेश्चन में कोई भी ज्यादा डिफिकल्टी लेवल नहीं इंक्रीज हुआ. डू इट. थ्री माइनस फाइव एंड वन नंबर लाइन, माइनस फाइव थ्री सॉरी थ्री माइनस फाइव वन थ्री पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव. Which portion do I need? Less than equal to zero means we need negative portion. This is negative portion. And this is my negative portion. So answer is minus infinity se minus 5 union 1 se 3. Infinities and minus infinities pe open, baki sab pe closed. Right? सबका सही आया था ये आंसर. यस ऑलमोस्ट सबका आंसर ये करेक्ट आया. ग्रेट. सो चीजें आपको क्लियर क्लियर हर क्वेश्चन में मैं एक एक हल्का हल्का माइनूट माइनूट सा डिफरेंस करता चला जा रहा हूं. क्यों? क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हमको बढ़ना है. ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी तो आगे के सारे क्वेश्चंस आपसे इजी हो जाएंगे. अब क्या डिफरेंस हुआ, अब क्या डिफरेंस हुआ, कोई बताएगा डिफरेंस क्या हुआ? अभी तक सारे के सारे टर्म मल्टीप्लिकेशन में थे, अब टर्म डिवीजन में आ गए. अच्छा ठीक है. क्या कोई फर्क पड़ेगा, क्या कोई फर्क पड़ेगा? टेल मी, क्या कोई फर्क पड़ेगा? पढ़ना तो नहीं चाहिए. अच्छा यस वेरी गुड. ओके ठीक है. चलो अभी मैं बोलूंगा, जस्ट तुमने बताया है उसको मैं कुछ बाद में एक्सप्लेन करूंगा, बट कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऐसा क्यों, क्यों हो रहा है ऐसा? अच्छा ग्रेटर देन जीरो देख रहे हैं तो आर वी लुकिंग एट साइन, मैं पॉजिटिव निगेटिव देख रहा हूं कि वैल्यूज देख रहा हूं? मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात देख रहा हूं कि मैं वैल्यूज देख रहा हूं, मुझको इतना बताओ. वी आर लुकिंग एट पॉजिटिव नेगेटिव राइट, वी आर लुकिंग एट पॉजिटिव नेगेटिव व्हाइल सॉल्विंग, वी आर लुकिंग एट कि वेदर दिस होल एक्सप्रेशन इज पॉजिटिव और नेगेटिव. ठीक है, मुझको ये बताओ पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव या पॉजिटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, दोनों का आंसर पॉजिटिव होता है? एग्री? अच्छा
पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव या पॉजिटिव डिवाइड बाय नेगेटिव, दोनों का आंसर? गुड, अभी तक तो मैंने दो के एग्जांपल लिए, यहां पे तीन टर्म्स थे तो मैं तीन टर्म का भी एग्जांपल लेता हूं, पॉजिटिव पॉजिटिव और मैंने तीन नंबर ले लिए, एक पॉजिटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तीसरा नेगेटिव, इनका कोई भी कॉम्बिनेशन लो मल्टीप्लीकेशन डिविजन का, मतलब पॉजिटिव इंटू निगेटिव लो, निगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव लो, पॉजिटिव डिवाइड बाय निगेटिव इंटू पॉजिटिव लो, हर केस में आंसर क्या आएगा? निगेटिव आएगा। तो मेरा ये कहना था कि ये वाला टर्म अगर ऊपर भी होता, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में सिर्फ साइन मैटर करता है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में सिर्फ साइन मैटर करता है, ठीक है, तो हम ये नीचे वाले को से मेरे मेथड में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, दूसरी चीज वेरी इंपॉर्टेंट, वी कैन नेवर क्रॉस मल्टीप्लाई इन इनइक्वालिटी, मैं कभी भी इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकता हूं, इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होता है। कोई ये बोले कि मैं इसको यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले चला जाऊं, नहीं, इक्वेलिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इनइक्वालिटीज में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। एग्जांपल दे देता हूं, एग्जांपल से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, मैं सीधे सीधे एग्जांपल दे देता हूं, -6/-3, क्या ये ग्रेटर देन जीरो है? -6/-3 ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि -6/-3 2 दे देगा, लेकिन अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे देता तो जीरो से ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके जीरो हो जाता, तो क्या -6 ग्रेटर देन जीरो होता? नहीं। तो ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटीज में कभी भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। एवरीवन, आज के बाद आप में से कोई भी मुझको इनइक्वालिटी में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करता हुआ दिखना चाहिए, ठीक है, ओके। अच्छा, वेद श्री ने मुझको बोला, एक दूसरा एग्जांपल लेने के लिए बोला, ठीक है। अच्छा, मुझको बताओ, इफ समथिंग इज ट्रू दैट शुड बी ट्रू ऑलवेज, क्या कि वंस इन अ वाइल, कोई भी फैक्ट अगर ट्रू होता है, कोई भी एक थ्योरम ट्रू होती है, तो वो हमेशा ट्रू होनी चाहिए कि किन्हीं वैल्यूज पे ट्रू होनी चाहिए? ऑलवेज, हर एक कंडीशन में ट्रू होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई चीज गलत है, इफ समथिंग इज रॉन्ग, तो वो किसी एक ही वैल्यू पे गलत होनी होगी, तो गलत मान ली जाएगी कि हमेशा हर वैल्यूज पे गलत होनी चाहिए? इफ समथिंग इज रॉन्ग, तो वो हर वैल्यूज पे गलत होनी चाहिए कि किसी एक वैल्यू पे? कोई थ्योरम अगर कहीं पे भी गलत हो गई, तो क्या वो थ्योरम को हम गलत मान लेते हैं कि हर एक वैल्यूज पे वो थ्योरम गलत होनी चाहिए? जस्ट फॉर वन वैल्यू, जस्ट फॉर वन वैल्यू, इफ समथिंग इज रॉन्ग, वो अगर किसी एक भी वैल्यू पे गलत हो गया, इट इज नॉट अ थ्योरम, इट इज नॉट अ फॉर्मूला। अ फॉर्मूला इज ट्रू फॉर ऑल द वैल्यूज, नहीं तो ऐसे तो तुम हर कोई फॉर्मूला बनाना बैठ जाता।
सर मेरा फॉर्मूला ये चार वैल्यूज पे सही है, तो ये इन चार वैल्यूज के लिए मैं अपना फॉर्मूला डाल सकता हूं, बाकी सारी वैल्यूज पे गलत है। ठीक है, तो अ फॉर्मूला अ मेथड शुड बी ट्रू ऑलवेज, देन इट इज अ मेथड, देन इट इज अ फॉर्मूला। बट इफ अ मेथड और फॉर्मूला इज रॉन्ग इवन फॉर वन वैल्यू, इवन फॉर वन वैल्यू, क्यों? क्योंकि मैथ्स में एक्सेप्शंस नहीं होते हैं। आई रिपीट, मैथ्स में कभी एक्सेप्शंस होते हैं? मैथ्स में दे आर नो एक्सेप्शन। केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं कि अच्छा ये चार रिएक्शन है लेकिन एक एक्सेप्शन आता है, लेकिन मैथ्स में कभी भी तुमने कि ये रियल नंबर है, रियल नंबर है बट 5 के लिए ये चीज वर्क नहीं करेगी, बाकी हर वैल्यूज के लिए वर्क करेगी, ऐसा ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं देखा है ना कि सर दिस इज द फॉर्मूला बट फॉर एक्स इज इक्वल टू 5 इट इज नॉट वर्किंग। ठीक है, सो वही चीज है कि इफ समथिंग इज ट्रू, अगर तुम्हें मुझे कुछ भी ट्रू प्रूफ करना है मैथ्स में, तो तुम्हें मुझे ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो मैथ्स की सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है। अगर मुझे कुछ गलत प्रूफ करना है तो मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा, वो किसी एक भी वैल्यू के लिए गलत है तो गलत है। सीधे सीधे तुम अपना पास फेल का एग्जाम्पल देख लो ना, तुम क्लास में पास कब होते हो? व्हेन यू मूव टू 9 to 10, तुम 9 से 10th में कब जाते हो? जब तुम सारे के सारे सब्जेक्ट्स में पास होते हो। ठीक है, अगर तुम पास होने के लिए यू हैव टू पास इन ईच सब्जेक्ट देन यू विल कंसीडर पास, अगर तुम किसी एक भी टॉपिक में लटक गए ना तो यू विल कंसीडर फेल, राइट? तो यही चीज होती है मोस्टली एवरीवेयर, एवरीवेयर। तुम एक बिल्डिंग बना रहे हो या तुम एक ब्रिज बना रहे हो, तुम एक ब्रिज बना रहे हो, मतलब मान लो तुम सिविल इंजीनियर हो, तुमने एक ब्रिज बनाया, तुमने बोला इसके ऊपर कार भी जा सकेंगी, बाइक भी जा सकेंगी, बट इसके ऊपर ट्रक नहीं जा सकेगा, तो वो ब्रिज ब्रिज माना ही नहीं जाएगा। ब्रिज मतलब उसके ऊपर सारे व्हीकल चले जाएं, सीधी सी बात है। ठीक है, हाँ मैंने थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन कर दिया वैसे, बट इट इज ओके। ठीक है, रियल लाइफ के कॉन्सेप्ट भी, रियल लाइफ के फंडे भी तुमको समझ में आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी मेथड सेम रहा, कितने टर्म्स है यहाँ पे? 3 टर्म्स, यानी कि कितनी वैल्यूज मिलेंगी? पहले वाले टर्म से क्या वैल्यू मिली? 1, x माइनस 1 इक्वल टू 0। दूसरे वाले टर्म से 3, इस वाले टर्म से माइनस 4, वैल्यूज मिली 1, 3 एंड -4। सबसे छोटी पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, आई रिपीट, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। कौन सा पोर्शन चाहिए हमको? कौन सा पोर्शन चाहिए हमको? वी नीड ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव पोर्शन। I will write my answer as -4 से -4 से 1 यूनियन 3 से इंफिनिटी। गॉट इट? गुड जस एवरीवन, होपफुली चीजें आप सबको समझ में आई हैं। यस गुड दीप, ऑलमोस्ट काफी लोगों का आंसर सही आ गया था। यश, इस क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, वही तो समझाया ना कि चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि अभी समझाया पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, आंसर साइन के टर्म्स में सेम ही रहता है। इफ यू यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाय अ पॉजिटिव नंबर या डिवाइड एनी नंबर बाय अ नेगेटिव नंबर, क्वेश्चन के साइन में नहीं चेंज हुआ, और
यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो, बेसिकली वी आर लुकिंग एट साइन वेदर इट इज पॉजिटिव और निगेटिव. वन मोर क्वेश्चन एवरीवन, लेट्स डू दिस क्वेश्चन. Everyone, do this question. Try करो सब लोग और आंसर दो. 2 -3 and -5. Good answer. -5 -3 2. Positive, negative. What all we need? We need negative portion. So my answer is -∞ से -5 -3 से 2. -∞ से -5 -3 से -3 से 2. वैल्यूज निकालते वक्त बिल्कुल ध्यान रखना कैसे निकाले थे. x -2 = 0 तो x की वैल्यू 2 मिली थी. x+3 = 0 तो x की वैल्यू -3 मिली थी. x+5 = 0 तो x की वैल्यू -5 मिली थी. तो किसी ने अगर वैल्यू ऐसे 2 -2 3 5 लिख दिया है तो उन्होंने गलत किया है ना, क्योंकि इक्वल टू जीरो करके वैल्यूज मिलती थी. राइट आगे बढ़े. सारे ब्रैकेट्स ओपन क्यों? All the brackets are open. Why? Less than या greater than वाला question है. इसमें तो सारे brackets open होते थे. One more question. तीन के जगह चार terms आ गए हैं. कोई बहुत ज्यादा major difference नहीं हुआ है question में. Try करो question. पॉइंट्स क्या मिले? -2 -3 -4 and -5. -5 सबसे छोटा, -4 उसके बाद, -3 उसके बाद, -2 उसके बाद. गुड बेसी विथ श्री बेटा. नाइस. पॉजिटिव निगेटिव. गुड. ऑलमोस्ट सबका ऊर्जा और स्वयं जस्ट निगेटिव पोर्शन. आई नीडेड निगेटिव पोर्शन. सो माई आंसर इज जो मैंने हाईलाइट किया है दैट इज माई आंसर. -5 to -4 यूनियन -3 से -2. क्लियर? यस. हाँ, कुछ बैकग्राउंड नॉइस है. क्या है कि दूसरे वाले फ्लैट में टक 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 टक, सो दैट अब दूसरे फ्लैट में है उनको मैं मना नहीं कर सकता हूँ. डोंट वरी, एक दो दिन के अंदर वो चली जाएगी. कुछ काम चल रहा होगा. ठीक है.
अब देखो अभी तक दोनों क्वेश्चन क्या था, ग्रेटर देन एंड लेस देन, अब आया ग्रेटर देन इक्वल टू वाला। नाउ सब लोग आंसर दो इसका, एवरीवन गिव मी द आंसर फॉर दिस, सोच के आंसर देना, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा सा माइंड लगाना। देखता हूं मैं, आई वॉन्ट टू सी कि कितने लोग देख के इसको सही से आंसर कर पाते हैं। राइट, दो मिनट दे रहा हूं मैं। यस, ट्राई करो। ओके, लोग आंसर दे रहे हैं। ध्रुव, आदित्य, मैं क्लास में एक्सप्लेन करूंगा वो चीज। काफी लोग आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड। जस माइनस वन टू एंड थ्री, माइनस वन टू थ्री, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, आई रिपीट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। सॉरी, आई नीडेड विच पोर्शन, आई नीडेड पॉजिटिव पोर्शन, तो पॉजिटिव पोर्शन। अच्छा, तो लोगों ने आंसर दिया माइनस वन से टू यूनियन थ्री से इंफिनिटी, काफी लोगों ने आंसर दिया, और सब लोगों ने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो मैं ब्रैकेट क्लोज क्लोज क्लोज, काफी लोगों ने ये आंसर दिया। ठीक है, जितना हमने पढ़ा था और जितनी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी उस हिसाब से ये आंसर सही होना चाहिए था। आई रिपीट, जितनी अपनी अंडरस्टैंडिंग थी उस हिसाब से यह आंसर सही होना चाहिए था, बट इस आंसर में एक माइन्यूट सी गलती है, माइन्यूट सी गलती। अब वो माइन्यूट सी गलती क्या है, एवरीवन एवरीवन प्लीज सुनो, वो माइन्यूट सी गलती क्या है। हमने क्या किया था कि अभी तक हमने ये देखा था कि निगेटिव होने पे या पॉजिटिव होने पर डिनोमिनेटर में आने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एग्री। लेकिन मुझको बताओ, पॉजिटिव इंटू जीरो एंड पॉजिटिव डिवाइड बाय जीरो, इनमें से कौन सी चीज सही है? पहला वाला पॉसिबल है, दूसरा वाला पॉसिबल ही नहीं है। वी कैन नेवर डिवाइड बाय जीरो, I can never divide anything by zero, ठीक है? तो इसका मतलब denominator वाला term कभी भी zero नहीं हो सकता। I repeat, denominator वाला term कभी भी zero नहीं हो सकता। क्या three पे, मैं बोल रहा हूं, क्या exact three पे denominator वाला term zero है? क्या एग्जैक्ट थ्री पे, क्या थ्री पे डिनोमिनेटर वाला टर्म जीरो है? तो क्या मेरा थ्री आंसर का पार्ट हो सकता है?
थ्री मेरा आंसर का पार्ट नहीं हो सकता? क्या 3.001 आंसर का पार्ट हो सकता है? क्या 3.001 आंसर का पार्ट हो सकता है? यस, लेकिन 3 नहीं हो सकता। तो याद करो मैंने ओपन ब्रैकेट एंड क्लोज ब्रैकेट का कॉन्सेप्ट क्या समझाया था, कि 3 क्लोज ब्रैकेट मतलब 3, 3 ओपन ब्रैकेट का क्या मतलब 3 point something। तो इसका मतलब अगर कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में आ गया है, अगर कोई भी टर्म डिनोमिनेटर में आ गया है तो उसके ऊपर कौन सा ब्रैकेट लगेगा? उसके ऊपर हमेशा ओपन ब्रैकेट लगेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, ओपन ब्रैकेट लगेगा। अब मेरा आंसर सही हुआ। इसको मैं थ्योरी के टर्म्स में भी लिखता हूं यहीं पे, डोंट वरी। मैं थ्योरी की तरह लिखता हूं, फॉर ग्रेटर देन और लेस देन ऑल ब्रैकेट्स ओपन। याद करो ये मैंने पहले ही बता दिया था, फॉर ग्रेटर देन एंड लेस देन सारे के सारे ब्रैकेट्स ओपन होते थे, याद है? सब लोगों ने ये लिख लिया है, ये चीज लिख ली है ना? सो फॉर ग्रेटर देन या लेस देन जब भी क्वेश्चन आएगा तो बाई डिफॉल्ट मेरे लिए सारे के सारे ब्रैकेट्स ओपन होंगे, मुझे उसके बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। लेकिन मुझे किन क्वेश्चंस में सोचना पड़ेगा, मुझे किन क्वेश्चंस में सोचना पड़ेगा? फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू, जब भी ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू होंगे तो न्यूमरेटर वाले जो पॉइंट्स होंगे उनके ऊपर तो क्लोज्ड ब्रैकेट, आई रिपीट, न्यूमरेटर वाले पॉइंट्स तो क्लोज्ड ब्रैकेट ही रहेंगे, बट डिनोमिनेटर वाले पॉइंट क्या हो जाएंगे? ओपन ब्रैकेट। मतलब न्यूमरेटर वाले पॉइंट्स क्या थे, या सीधे सीधे ये सोच लो, डिनोमिनेटर वाले पॉइंट पे ओपन हो जाएगा, बाकी न्यूमरेटर वाले पे क्लोज। तो डिनोमिनेटर वाला पॉइंट क्या था? दिस वॉज माई डिनोमिनेटर वाला पॉइंट जो यहां से निकला, तो इसके ऊपर कौन सा ब्रैकेट लगना चाहिए था? ओपन ब्रैकेट। तो मैंने देखा कि मैंने 3 के ऊपर कौन सा ब्रैकेट लगाया क्वेश्चन में, मैंने 3 के ऊपर क्वेश्चन में ओपन ब्रैकेट ही लगाया है। ओके, अगर किसी को नहीं भी समझ में आया है तो डोंट वरी, अभी हम एक दो क्वेश्चन और करेंगे, उससे भी चीजें समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल कोई इशू नहीं है। अगर किसी को कुछ भी नहीं समझ में आया, 3 क्यों नहीं इंक्लूड हो पाया? क्योंकि डिनोमिनेटर वाले टर्म 0 नहीं हो सकते, डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। तो 3 पे डिनोमिनेटर क्या हो जा रहा है? फॉर एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स माइनस 3 इज 0। तो ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी 0। ये पॉइंट लिख लो, फॉर ग्रेटर देन एंड लेस देन ऑल ब्रैकेट्स ओपन, फॉर ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू न्यूमरेटर वाले पॉइंट्स क्लोज एंड डिनोमिनेटर वाले पॉइंट्स ओपन। एवरीवन प्लीज राइट दिस पॉइंट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। This is my next question. Try it. Try this. Everyone, कल आप लोगों का केमिस्ट्री का लेक्चर है एंड
अगर कोई नीट वाला है तो उनका परसों बायोलॉजी का लेक्चर है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ आप लोगों का, क्या कल केमिस्ट्री का लेक्चर है एंड थर्सडे आप लोगों का बायोलॉजी का लेक्चर है एंड फ्राइडे से वी आर स्टार्टिंग अवर बैच। ओके, कल की टाइमिंग चेंज है, मैं कल की आपकी टाइमिंग बता रहा हूं, प्लीज मेक अ नोट, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। कल की आपकी लेक्चर की टाइमिंग है 2 PM टू 3:30 PM, आफ्टरनून की टाइमिंग है केमिस्ट्री के लेक्चर की, ठीक है, प्लीज मेक अ नोट एंड प्लीज अटेंड द केमिस्ट्री लेक्चर, ठीक है। हाँ कृष्णा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे देन आज की क्लास ओवर हो जाएगी। कल केमिस्ट्री का लेक्चर 2 PM टू 3:30 PM है, ओके, फ्राइडे से आप का बैच शुरू हो रहा है केमिस्ट्री एंड फिर नीट का भी बायोलॉजी, अनुराधा मैम का भी लेक्चर होगा, कल प्रोफेसर कोरी सर का लेक्चर है एंड देन वी विल स्टार्ट आवर बैच। यस, काफी लोगों ने आंसर दिया, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता हूं। -1, -2 and -3 नंबर लाइन सबसे छोटा -3, -2, -1 positive, negative. I needed negative portion, highlight. Answer would be -infinity. -3 से यूनियन माइनस, यस मोमेंट, ठीक है। अब देखो, अब अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं ब्रैकेट के लिए, बहुत ध्यान से, माइनस इंफिनिटी पे ओपन ब्रैकेट, डिनोमिनेटर्स पे भी ओपन ब्रैकेट, क्योंकि लेस देन इक्वल टू में डिनोमिनेटर्स पे भी ओपन ब्रैकेट। डिनोमिनेटर वाले पॉइंट क्या है, -3 and -3। न्यूमरेटर पे क्लोज ब्रैकेट, न्यूमरेटर पे क्लोज ब्रैकेट, गॉट इट, चीजें क्लियर हुई। नेक्स्ट करेंगे। अच्छा, अभी तक आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ब्रैकेट वाली चीजें आ गई। कल मैंने क्या बोला था आपको, कल मैंने ये बोला था कि आपके लिए क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, या जितनी भी पावर बढ़ गई आप का डिफिकल्टी लेवल नहीं बढ़ने वाला है, डिफिकल्टी लेवल आपका सेम रहने वाला है। याद आया? अब वो कैसे सेम रहने वाला है वो मैं समझा रहा हूं। देखो यहां पे क्या हो रहा है, एक टर्म की पावर 2 है, एक टर्म की पावर 3 है, तो मतलब इसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ना चाहिए था, लेकिन उतना नहीं बढ़ेगा। कैसे नहीं बढ़ेगा, अभी मैं समझाता हूं। वी हैव power 2 and power 3। अच्छा, मुझको ये बताओ अगर किसी भी चीज की इवन पावर है, पॉजिटिव एंड निगेटिव, किसी की भी इवन पावर है, तो इवन पावर से का फायदा क्या होता है? क्या किसी चीज की इवन पावर हमेशा पॉजिटिव होगी? राइट?
इफ वी सी इवन पावर ऑफ ऑल द नंबर्स इट वुड बी पॉजिटिव. तो इसका मतलब अगर पावर 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो हमें कुछ एक मेथड फॉलो करना होगा. अगर ऑड पावर है, अगर किसी नंबर की ऑड पावर है, तो वो पॉजिटिव नेगेटिव फ्लक्चुएट करती रहेगी, राइट? यानी पावर 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, या कोई भी ऑड पावर होती चली गई. अच्छा, ऑड पावर में क्या 1 भी ऑड पावर है? क्या 1 भी ऑड पावर है? तो इनमें इनके लिए एक मेथड होना चाहिए, इनके लिए एक मेथड होना चाहिए. फॉर इवन पावर देर शुड बी अ सेपरेट मेथड, फॉर ऑड पावर देर शुड बी अ सेपरेट मेथड. इतना सबको समझ में आया? अब वो मेथड क्या होगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगा ऑब्वियसली, बट ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि इवन पावर एंड ऑड पावर से कुछ डिफरेंस होगा मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में. एंड ऑड पावर इज इक्वल टू पावर 1, यानी कि ऑड पावर का मेथड तो हमने ऑलरेडी देख रखा है, पावर 3 इज इक्विवेलेंट टू 1. अब वो मेथड क्या होगा वो मैं बता रहा हूं. नो साइन चेंज, पहले लिखोगे इवन पावर्स के लिए, इवन पावर के लिए देयर वोंट बी एनी साइन चेंज. अभी इसका मतलब क्या है वो मैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए दिखाऊंगा. इवन पावर के लिए देयर शुड बी नो साइन चेंज, ऑड पावर के लिए साइन चेंज. ठीक है, सब लोग ये चीज लिख लो, फिर मैं ये रफ करके समझाऊंगा. इवन पावर नो साइन चेंज, ऑड पावर साइन चेंज. ठीक है, अब कैसे इसको यूज करना है वो मैं समझाता हूं. इवन पावर नो साइन चेंज, ऑड पावर साइन चेंज. स्टेप वही, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू क्या मिली? 1 एंड माइनस 2. मेरा नंबर लाइन माइनस 2, 1. राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे. सबसे पहले तो मैं पॉजिटिव लिख दूंगा, कोई इशू नहीं है. राइट हैंड साइड से शुरू करेंगे, पॉजिटिव लिखूंगा. अब मैंने रूल अभी क्या लिखवाया था इससे पहले, 1 वाले टर्म पे पावर क्या है? 1 वाले टर्म पे मैं नीचे लिख देता हूं, दिस इज इसकी पावर है. 1 वाले टर्म पे पावर क्या है? इवन. एंड माइनस 2 वाले टर्म पे पावर क्या है? मैंने नीचे हल्का सा लिख दिया, इवन ऑड. इतना लिख सकते हो, आगे चल के ये नीचे तुम ब्रैकेट में नहीं लिखोगे. ये पहला क्वेश्चन इसका तो लिख दे रहा हूं मैं. पहले क्वेश्चन में मैं जितना ज्यादा से ज्यादा लिखूंगा उतना मेरी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. पॉजिटिव. इवन पावर का क्या रूल था? नो साइन चेंज. यानी कि क्या पॉजिटिव चेंज होना चाहिए? नो साइन चेंज, यानी पॉजिटिव शुड रिमेन पॉजिटिव. ऑड, ऑड का क्या रूल था? साइन चेंज, यानी पॉजिटिव शुड बिकम नेगेटिव. एवरीवन, आई रिपीट, 1 वाले टर्म पे मैंने देख लिया पावर क्या थी, इवन. तो मैंने 1 वाले टर्म वाले के नीचे इवन लिख दिया. माइनस 2 वाले टर्म पे क्या पावर थी? 3, विच इज ऑड. अब मैंने राइट हैंड साइड से शुरू किया, हमेशा पॉजिटिव से शुरू किया, यहां तक आए पॉजिटिव. मैंने देखा पावर इवन है,
तो नो साइन चेंज, तो मैंने कोई साइन चेंज नहीं किया। फिर मैंने देखा पावर ऑड है, ये नीचे पावर वाला वो लिखा है कि पावर इवन है कि ऑड, चेंज हो गया नहीं। ग्रेटर देन जीरो था तो मुझे पॉजिटिव पोर्शन चाहिए था, तो पॉजिटिव पोर्शन शुड बी माई आंसर। सो माई आंसर वुड बी माइनस टू से वन यूनियन वन से इन्फिनिटी। ठीक है, अगर किसी को नहीं भी समझ में आया तो डोंट वरी, अभी हम और क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, एटलीस्ट दो क्वेश्चन और करेंगे तो उससे आपकी क्लैरिटी हो जाएगी। हाँ ऑब्वियसली संगम, वी डू लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, मैथ्स है ही क्वेश्चन करने के लिए, नॉट जस्ट वंस मोर। मैं अलग अलग क्वेश्चन से एक्सप्लेन करता रहता हूं सेम कॉन्सेप्ट, जिसमें तुम्हारी क्लैरिटी बन जाए। गाइस ये लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं। लिख लिया सबने? यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस टू माइनस थ्री, पहले माइनस थ्री फिर माइनस टू। अच्छा माइनस टू की पावर क्या है? माइनस टू की पावर वन है, वन क्या होता है? ऑड। माइनस थ्री की पावर क्या है? इवन, सॉरी माइनस थ्री की पावर क्या है? नाइन। नाइन क्या होता है? अगेन ऑड। तब तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, सब ऑड है, पॉजिटिव, फिर ऑड पावर पे निगेटिव, फिर पॉजिटिव। मैं सीधे सीधे अब हाईलाइट नहीं कर रहा हूं, मैं आंसर लिख दे रहा हूं, आई नीड पॉजिटिव पोर्शन, माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री यूनियन माइनस टू से इंफिनिटी। एग्री? यस, लोगों का सही आंसर है माइनस इंफिनिटी से माइनस थ्री यूनियन माइनस टू से इंफिनिटी। अगर किसी को कुछ भी गलत कुछ भी नहीं समझ में आया, इसमें मैं एक माइनूट सा चेंज करके भी दिखा दूंगा तो आपको और अंडरस्टैंडिंग आएगी। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? मैं एक माइनूट सा चेंज करूंगा तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। पहले ये लिख लो, अब मैं वो क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं तो अंडरस्टैंडिंग वाइज आप और क्लियर हो जाएंगे। क्या क्वेश्चन में चेंज कर किया मैंने? मैंने इस नाइन को एट बना दिया। एवरीवन दिस इज एट। सब लोग वापस क्वेश्चन लिखना, तुम अपने क्वेश्चन को एट मत बना देना, ये पिछले पेज में उसको एट बना देता हूं। ऑड पावर को मैंने इवन पावर बना दिया। ओके? तो माइनस टू की पावर ऑड, माइनस थ्री की पावर इवन, पॉजिटिव। ऑड पावर का मतलब पॉजिटिव बिकम्स निगेटिव, इवन पावर का मतलब नो चेंज, इवन पावर का मतलब नो चेंज। तो मेरा निगेटिव रिमेंस, माई निगेटिव रिमेंस
निगेटिव। आई नीड ग्रेटर देन, सो माई आंसर वुड बी माइनस टू से इंफिनिटी। चीजें क्लियर है? देख लो सब लोग, माइनस टू टू इंफिनिटी, गुड। एवरीवन, अंडरस्टैंडिंग समझ में आई सबको? कोई ऐसा है जिसको इश्यू हुआ समझने में, चीजें आ रही हैं? गुड। हाँ, रिकॉर्डिंग मेरी यूट्यूब पे, या कल के लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग मैंने यूट्यूब पे समझा दी, डाल दी थी। आज के लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे चली जाएगी, आपको जहां से लिंक मिला है, आई गेस हिमांगी मैम। हिमांगी मैम, आर यू देयर? हिमांगी मैम, आपको जहां से भी लेक्चर का लिंक मिला है आप वहां पे बोल देंगे तो आपको वहां पे रिकॉर्डिंग का लिंक भी मिल जाएगा। यस सर। हाँ, मतलब अगर कोई स्टूडेंट ने कहीं पे भी मिस किया, कुछ होता है, कुछ मिस हो जाते हैं, तो उनको आज के लेक्चर की भी और कल के लेक्चर की भी रिकॉर्डिंग, क्योंकि रिवीजन के लिए उनका अच्छा रहेगा। प्लीज प्रोवाइड देम। हाँ, चैनल नेम मास्टर क्लास का है मैम, मैम आपको लिंक भी दे देंगी। हाँ, अगर किसी को ये साइन चेंज नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझा दे रहा हूं। हमेशा राइट हैंड साइड से पॉजिटिव से शुरू करते हैं। अगर ऑड है तो साइन चेंज कर दो, ऑड था, ऑड ऑड वैल्यू नहीं, ऑड पावर। ये माइनस टू की पावर वन थी, यहां वाले टर्म की पावर वन थी, तो यहां पे ऑड लिखेंगे। माइनस थ्री वाले टर्म की पावर एट है, तो इवन लिखेंगे। पॉजिटिव बिकम्स निगेटिव, इवन में नो चेंज, तो माय निगेटिव रिमेन्स निगेटिव। ठीक है, वन मोर क्वेश्चन, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एवरीवन, आई रिपीट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। यहां पे खूब सारी अलग अलग पावर्स है, डोंट वरी, जितनी भी पावर होंगी, पावर होना इज मतलब कोई डिफिकल्ट नहीं है ना, मतलब मैं 8 की जगह 88 भी होता ना तो भी मेथड सेम होता, 88 की जगह 888 होता ना तब भी मेथड सेम होता, तो चाहे जितनी भी पावर कर देते मेथड सेम होता और डिफिकल्टी लेवल नहीं बढ़ती। करो सब लोग, माइनस फाइव मिला, यहां से हाफ मिला, माइनस वन मिला एंड टू मिला। दिस इज माई नंबर लाइन, सबसे छोटी वैल्यू माइनस फाइव, फिर माइनस वन, फिर हाफ, फिर टू। हाँ, सबको पता चला ना कैसे मिला, 2x माइनस वन इक्वल टू जीरो। अब इनके नीचे वो भी लिख देता हूं मैं कि किस पे पावर क्या है। माइनस फाइव की पावर फाइव है, आई रिपीट, माइनस फाइव की पावर फाइव है, यानी कि ऑड। माइनस वन वाला टर्म की पावर सेवन है, माइनस वन वाले टर्म की पावर सेवन है, तो ऑड। हाफ वाले टर्म की पावर सिक्स है, तो इवन। टू वाले टर्म की पावर एट है, तो इवन। काफी लोग आंसर बिल्कुल करेक्ट दे रहे हैं। अब मैं साइन लिखना शुरू करता हूं। सबसे पहले लिखूंगा मैं पॉजिटिव। इवन पावर पे कुछ चेंज होता है? नो, तो पॉजिटिव रिमेन पॉजिटिव। इवन पावर पे कुछ चेंज होगा? नो, तो पॉजिटिव रिमेन पॉजिटिव। ऑड पावर पे चेंज होगा? यस,
माय पॉजिटिव विल बिकम नेगेटिव. ऑड पावर पे चेंज होगा, यस माय नेगेटिव विल अगेन बिकम पॉजिटिव. आई नीडेड दिस पोर्शन, आई नीडेड लेस देन जीरो पोर्शन मीन्स आई नीडेड नेगेटिव पोर्शन. तो व्हाट इज माय आंसर हियर? माय आंसर इज -5 to -1. काफी लोगों का सही आया था, वेरी नाइस. एवरीवन, चीजें क्लियर हुई? राइट, गुड. ठीक है, मैंने कल की क्लास का एक्सप्लेन कर दिया है. विश्री स्क्वायर ब्रैकेट इस वजह से नहीं किया है क्योंकि क्वेश्चन कौन सा है, लेस देन या ग्रेटर देन वाला. लेस देन या ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन में हमेशा कौन से ब्रैकेट लगते हैं? हमेशा ओपन ब्रैकेट्स लगते हैं. लेस देन या ग्रेटर देन वाले क्वेश्चन में ऑलवेज ओपन ब्रैकेट. ठीक है, ग्रेट. एवरीवन, दिस इज द आंसर. हमें वो एक्स निकालना था जिसमें ये पूरा एक्सप्रेशन लेस देन जीरो है, तो इस पोजीशन पे, इन आंसर पे, ये एक्सप्रेशन वुड बी लेस देन जीरो जो हम सॉल्व करते आ रहे हैं. ठीक है, कैसे हम लोग की क्लासेस होंगी मैं अगेन बता दे रहा हूं. कल आपकी बायोलॉजी की क्लास, कल आपकी केमिस्ट्री क्लास है, फिर आपकी बायोलॉजी क्लास है, एंड फ्राइडे ऑनवर्ड्स, फ्राइडे यू विल हैव अ ओरिएंटेशन ऑफ योर बैच कि हम कैसे कैसे क्या प्लान रहेगा. पूरे 2 साल का प्लान हम डिस्कस करेंगे. एंड ठीक है, कल आपकी मैथ की नहीं है, कल आपकी केमिस्ट्री की क्लास है. केमिस्ट्री, देन बायोलॉजी, एंड देन वी विल स्टार्ट अवर बैच जिसमें यू विल गेट इंट्रोड्यूस टू ऑल द टीचर्स जो आपको पढ़ाएंगे. क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टीचर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट. लाइक टीचर्स आर द बैकबोन ऑफ योर 11th 12th. आपकी हार्डवर्क प्लस टीचर की मेहनत विल बी देयर. ठीक है, लिंक आप लोगों को मिल जाएगा, आफ्टरनून में क्लास है, मैंने टाइमिंग्स बता दी है. मिलते हैं, चलो एवरीवन, मिलते हैं फ्राइडे. बाय बाय एवरीवन, बाय.